केंद्र सरकार की ओर से हज यात्रियों की सब्सिडी को बंद करने पर देश के मुस्लिम भाईचारे में काफी रोष पाया जा रहा है। इसी को लेकर पटियाला के मुस्लिम भाईचारे में भी रोष देखने को मिला। पटियाला की पुरानी मस्जिद में एकत्र हुए मुस्लिम भाईचारे के लोगों ने बताया कि देश की आज़ादी से लेकर देश के हर काम में मुस्लिम भाईचारे का अहम रोल रहा है, लेकिन जो सरकार की ओर से सब्सिडी को खत्म किया गया है, सरकार का यह फैसला सही नहीं। सरकार को अपने फैसले पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहला मैं शुक्रगुजार हाँ कि इस चीज़ नूं प्रेस वाले ने ध्यान च लिया। दूजी गल कि भी अज असी पेपर च पढ़िया सी कि बई इहदी सबसिडी हज कमेटी की बिल्कुल बंद कर दिती है। सो इस गल का रोस साडे मुस्लिम भाईचारे इत्थे तक नहीं, पूरे पंजाब च की पूरे हिंदुस्तान च इस गल का रोस है कि भी एक चीज़ जो 70 सालों तो चल रही है वो एकदम यह जी की लोड़ पैगी कि भी उन सबसिडी खत्म कर दी। देखो 70 साल तो साड़ा देश जो आज़ाद होया 70 साल पहला, तो उसके सारिया कौमां ने बढ़ चढ़ के हिस्सा पाया देश को आज़ाद कराने लई। तां एक चीज़ जिहड़ी सहूलत साढ़े मुस्लिम वर्ग के विचों दे रहे सी, पिछे जे कई सालों तो उसनू घटाया भी गया, चलो वो गल जायज़ भी है। अज मानयोग साडे मंत्री जी जड़े है उन्होंने नैशनल लैवल लीडर भी ने मुख्तार आवाज़ नकवी जी उन्होंने बयान दिता कि लड़कियां नूं असीं पढ़ाई दे तौर ते लई सबसिडी उत्थे खर्च करांगे। ये बड़ा अहम कदम है, पहलकदमी है कि साडियां बच्चियां जिहड़ियां बच्चे साडे नहीं पढ़ पाते, क्योंकि साडा जिहड़ा मुस्लिम समाज है वह आज़ादी तो बाद डिवेलप नहीं हो पाया कि भी वह किसी तरह बेचारे अपनी दिहाड़ी करने वाले जा मजदूर तबका ही ज़्यादा मुस्लिम समाज के विच है जो घट गिणती है। ठीक है, उन्होंने यह गल बड़ी वधिया है, शलाघा योग कदम है, पर एक सूरत बंद करके असी दूजी नू प्रवानगी देना यह भी मैं समझदा कि अपने आप दे विच एक नखेपी करने वाला कदम है। सर ये तो केंद्र सरकार जो है मुस्लिम विरोधी है, जिहड़ी नरेंद्र मोदी जी है तो सबनों ही पता है, ये जिन्ने भी मुस्लिम काम है सब खत्म करते जा रहे हैं। ये एक आरएसएस का सारा जो आरएसएस कह रहे हैं वही कर रहे हैं ये काम सारा। परेशानी तो होएगी उन्होंने तो आप ही समझदार हैं, सारे बंदे गरीब तबके वास्ते ही सीखी है, सबनों परेशानी होएगी। ये तो आप सर्वे करें तो सारे ही हमारे भाइयों को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँची है, और हमारे भाई जो गरीब आदमी है ये कैसे हज पे जाएगा जी। एक ही यहाँ सहूलियत मिलती थी वो भी ये गवर्नमेंट ने बंद कर दी, इसलिए इस पे गौर किया जाए और हमारे लिए ये सब्सिडी और बढ़ाई जाए। आप जी देख रहे हो पटियाला टीवी जोड़े आप जी ने सोने पंजाब ते देश नाल, हमेशा देखते रहो पटियाला टीवी। ਤੁਹਾਡੀ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ। ਗਲੋਬਲ ਅਚੀਵਰਸ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ, ਓਟੀ, ਡੀਐਮਐਲਟੀ, ਆਪਥੈਲਮਿਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ECG, ਐਕਸ-ਰੇ, ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। हर एक कोर्स लई वक्री मैनुअल अते कंप्यूटराइज्ड लैब, एक्सरे लई डार्क रूम, ऑपरेशन थिएटर विद फुल फ्लैश्ड इक्विपमेंट, ECG मशीन्स अते ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट लई आई टेस्टिंग अते चश्मे बनाउन दीआं मशीनां मौजूद हन। ISO प्रमाणित पंजाब दा नंबर एक इंस्टीट्यूट। जी हां, जेकर तुसी भी अपने बच्चियां नूं फ्यूचर संभालना चाहते हो तां इक वार साडे इंस्टीट्यूट आके जरूर मिलो। संपर्क करो गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेन रोड, फैक्ट्री एरिया नियर शिव मंदिर, पटियाला।